हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे एफ बी ए वर्सेज जी के एच के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो बांग्लादेश टीम ट्वेंटी का तो वीडियो अच्छी अच्छे से देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है तो आपको हर प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ प्लस आपको मैं थोड़ी बाय वगैरह के पिक्स बता दूंगा तो वो दिन ध्यान रख के चलना तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम का जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना आपको सिंपली करना क्या है वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट करते हो वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको

जी के एच ने दो हारे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे एफ की टीम चार में से एक जीत के uh, दो हार के तीस चौथे नंबर पे थोड़ी बेटर टीम स्ट्रांग टीम कौन नजर आती है आपको डेफिनेटली जी के एच की टीम थोड़ी बेटर नजर आती है मुझे तो तो लास्ट मैच में अगर हम एफ का बैटिंग ऑर्डर देखें तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन से नंबर पर कौन से बैट्समैन आ सकते हैं बाकी बात करें यहाँ पे तमीम इकबाल ओपन करने आ सकता है देन यहाँ पे लास्ट मैच में टीम ने चेंज करा बाकी मैचेस में यहाँ पे मेहदी हसन जो इनके इंटरनेशनल टीम का बॉलर ऑलराउंडर वो ओपन करने आता बट लास्ट मैच में सैफ हसन जो दो साल पहले अंडर 19 खेला था वो उसको ओपन में टीम ने प्रमोट किया तो अगर शायद टीम इसे बाहर बिठाए तो वापस मेहदी हसन ओपन करने आ सकता है क्योंकि मेहदी हसन ओपन में ठीक ठाक बैटिंग कर रहा था बाकी सैफ हसन थोड़ा यंग प्लेयर है और ठीक ठाक रिकॉर्ड से डोमेस्टिक है बाकी अंडर नाइनटीन का प्लेयर था दो साल पहले Uh, तो मैं भी इतना इतना अच्छा रिकॉर्ड सो मैंने इसके डोमेस्टिक में कभी सुने नहीं और ना ए बी बै बंगश प्रीमियर लीग में सब कितना अच्छा खेलते हुए देखा तो यहाँ पे चांस बन सकता है कि टीम शायद हसन को ओपन करवा दे अगर सैफ हसन बाहर बैठता है तो बाकी यहाँ पे देखोगे तो इवन मिल इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं सैफ़ हसन बाकी मैथ कौनूँगा तमी इकबाल बहुत अच्छे टच में है लास्ट मैच में फिफ्टी प्लस स्कोर भी किया था तो बहुत अच्छी फॉर्म में है तमी इकबाल टीम में रख सकते हो और उनकी टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन भी है और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंटरनेशनल लेवल में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है बांग्लादेश का और यहाँ बात करोगे यहाँ पे परवेज़ हुसैन इमोन ठीक प्लेयर है टीम में रह सकते हो आपको अपोनेंट की हर टीम में दिख जाएगा बट आ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को इतना इंपॉर्टेंट लगता है नहीं है बट स्टिल हमें जाना पड़ेगा फॉलो करते हुए बाकी हमारे पास दो तीन अच्छे कॉन्स ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो उनको ट्राई करने की कोशिश करेंगे अपोनेंट टीम की जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तोहही हिद्वाय अच्छा बैट्समैन है अंडर नाइनटीन का स्टार प्लेयर है दो साल अंडर दो बार अंडर नाइन्टीन में कैप्टेंसी कर चुका है और इस साल तो दो साल अंडर नाइन्टीन खेल चुका है यहाँ पे तोहित हाँ तो हिद्रवाई तो, तो काफी अच्छा बैट्समैन है और डोमेस्टिक भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है कैप्टन वगैरह जो था इन, इन साल इनका वो था अकबर अली आई थिंक वो जो अपोनेंट टीम में शायद है वो आ, बात करेंगे यहाँ पे जो इन्होंने वर्ल्ड कप जीता इस साल अंडर नाइनटीन का बाकी बात करेंगे यहाँ पे आििफ़ हुसैन भी दो साल पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का उसका स्टार प्लेयर था और इसने तो मेरे ख्याल से जितने भी इनके प्लेयर्स निकले हैं अंडर 19 के बाद उसमें से सबसे बढ़िया बढ़िया जो प्लेयर निकला है वो आफिफ हुसैन ही निकला बट टूर्नामेंट अभी इसका अतः अच्छा जा नहीं रहा और गया नहीं है और वही बात करोगे अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग आपने फॉलो करा होगा तो उसमें भाई इसके बंदे की परफॉर्मेंस क्या थी अंदर असल जैसे प्लेयर बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के बीच में हम इसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की पिक रखते थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो अच्छे टच में था बट अभी फॉर्म कुछ अच्छी चल नहीं रही इसकी बॉलर बहुत अच्छा तीन से चार ओवर पूरे डालता है बाकी बैटिंग भी आपको दिख जाएगा अच्छी खासी करते हुए बस थोड़ी फॉर्म आ गई तो मेरे ख्याल से आप इसे किसी भी मैच में मिस नहीं करोगे बहुत अच्छा बैट्समैन और ऑलराउंडर है बाकी हरिद्वार अगर बताया कि अच्छा प्लेयर है इमोन है हरिद्वा में से किसी एक को पिक कर सकता बाकी मैं इरफान शुगर के बारे में बात करी इरफान शुगर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं और अभी तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखी नहीं है ना इसका मैंने इतना कभी डोमेस्टिक में नाम सुना है बाकी महीदी हसन मैंने जैसे बताया कि ओपन कर सकता है प्लस चार ओवर अगर फिर सैफ हसन ओपन आता है तो यहाँ पे फिर नीचे ही आएगा बाकी तस्किन अहमद के बारे में बात करें तो आपको इसके बारे में बताऊँ ये ऐसा बॉलर है जिस दिन इसका दिन होता है ना तो चार विकेट आराम से लेता है अभी इस आई थिंक अभी तक वो दिन आया नहीं है पूरा टूर्नामेंट में मुझे लगता है अगले दो तीन मैच में एक मैच आने वाला है जहाँ पे तस्किन अहमद आपको तीन चार विकेट लेते हुए दिख जाएगा तो ध्यान रख के चलना तस्किन अहमद के ऊपर बड़ा प्लेयर है अच्छा प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल भी रिप्रजेंट कर चुका है और वन ऑफ़ द बेस्ट बॉलर में से इनमें से अवेलेबल है वो है बाकी तनवीर इस्लाम है आपको कमर उस्मललाम रब्बी जो विकेट टेकर बॉलरस में से आता है और विकेट जरूर निकाल के देता है एक आदि बाकी अबू जायद जो टेस्ट भी खेल चुका है वेस्ट कहते हैं इनके लिए बांग्लादेश के लिए और रिसेंट भी अगर आपको पता लास्ट ईयर इंडिया के बीच और बांग्लादेश के बीच में पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था उसमें ये खेला भी था और अच्छे बॉलर है अबू जायद एक्सपीरियंस है उसमें विकेट वगैरह भी काफ़ी निकाले थे इसने अबू जायद ने दो तीन तीन चार विकेट निकाल के गया था तो यहाँ पे ध्यान रख के चलना जो एक्सपीरियंस प्लेयर है यहाँ पे तस्कीन अहमद है अब वो जायद है और थोड़ा बोलूँगा तो यहाँ पर इस्लाम है बाकी महीदीसन तो रेगुलर अभी इंटरनेशनल टीम में खेलता भी है तो एक तो बड़ा प्लेयर है ही प्लस बैटिंग अच्छी कर लेता है बाकी बॉलिंग में देखोगे तो यहाँ पे तस्किन अहमद चार ओवर डालते हुए दिख जाएगा महीदी हसन चार डालते हुए दिख जाएगा तनवीर इस्लाम आपको तीन से चार डालते हुए दिख सकता है अब वजह आफिफ हुसैन जैसे कि मैंने बताया कि ये तनवीर इस्लाम और ये मिलके भी अपने ओवर कर सकते हैं क्योंकि आफ, आफिफ हुसैन भी अच्छी खासी बॉलिंग करता है तो लास्ट मैच में सिर्फ एक बॉलिंग करी अगर फॉर्म टच में अच्छा हुआ टीम से पूरे बॉलर करा तो बहुत कंप्लीट ऑलराउंडर है आिफ़ हुसैन दैन कमराम रब भी आपको तीन से चार ओवर डालते हुए दिख सकता है वहीं जी के बारे में थोड़ी बात करें तो अन्नाल आपको ओपन करते हुए देख सकता है शाकिब शाकिब अल हसन के साथ दैन जाएगा झूरुल इस्लाम और कुछ मैचेस में झूरुल इस्लाम नीचे भी बैटिंग कर रहा था बट इस मैच में टीम ने उसको ऊपर प्रमोट किया बाकी यहाँ पे इमरुल कायस है महमूदुल्ला है आरिफुल हक है शमीम हुसैन है स्वागत होम है वन यहाँ पे शाहिद इस्लाम तो हर प्लेयर का बताने वाला अन्नाम हक का देखो प्लेयर तो बहुत अच्छा पर बीच में इसने ना काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी जब इसको मौका मिलता है रन बना के रहता है बट इसका टूर्नामेंट अभी तक अच्छा गया नहीं है इससे पता चलता है कि साफ साफ कि बंदा टच में नहीं है फॉर्म में नहीं है प्लस आपको कैचिंग विक, विकेट कीपिंग के ही पॉइंट सकता है बैटिंग से ज़्यादा अच्छा टच में नहीं है बट ओपन है ओपनर है विकेट कीपर है तो आपको कहीं से भी अगर दिन अच्छा हुआ तो बड़ी इनिंग खेल सकता है तो ग्रैंड लीग में आपको मैं जरूर रिकमेंड करूँगा कि ट्राई करना क्योंकि कैचिंग में अगर तीन चार कैच कर जाता है तो तीस बत्तीस पॉइंट वैसी बन जाते हैं और अगर तीस बीस तीस रन मार जाता तो आप वही पचास साठ सत्तर पॉइंट आराम से बता के दे सकता है तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना अन्ना हक को बाकी शाकिब अल हसन तो इंटरनेशनल लेवल का बेस्ट ऑलराउंडर में से आता है तो इसको तो मिस करने का चांस बनता नहीं है इवन कैप्टनसी की सबसे बेस्ट पिक आपके लिए शाकिब अल हसन देने पे आने वाला है झुरर इस्लाम मे को यह समझ नहीं आ रहा कि टीम इमरुल काइ से ओपन करवाया था ज़्यादा बेटर रह सकता है शाकिब अल हसन से क्यों करवाया क्योंकि इमरुल काश जो इंटरनेशनल टीम है बांग्लादेश के इसके लिए भी ओपन ही करता था और रेगुलर प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है इसकी क्लास से होकर बैटिंग है वन ऑफ द क्लासियस बेस्टमैन बैट्समैन है और ऐसा प्लेयर है कि अगर ये टच में है ना अभी वो भी है काफ़ी प्लेयर टच में नहीं है तो महमूद लाला इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है काई फॉर्म में नहीं है शाकिब और हसन फॉर्म में नहीं है इतना बड़ा प्लेयर अगर ये फॉर्म में आके तो ऐसा प्लेयर है कि नीचे वालों की बैटिंग ना ही ना अंदर तीन चार जो ऊपर के मेन बैट्समैन है यही सारा काम निपटा दे इसमें जरूर सलाम को हटा दो तो तो ये चार ही काम न, नीचे वालों की बैटिंग ना अंदर बट चारों ही इतने अच्छे टच में नहीं है कि बोल नहीं सकता कि आपको कि आपको चौप चार ही पिक करने टॉप के बाकी नीचे देखोगे तो Uh, यहाँ 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 एक इमरूल का है बहुत अच्छा बैट्समैन है लेने वाला और इंटरनेशनल लेवल का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है जैसे यहाँ पे महमूद लाला तो मैं बता रहा हूँ महमूद के पास तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है दो वर्ल्ड कप में आई थिंक दो सेंचुरीज भी लगाई थी इसने uh, तो मैं भी अंतिम वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के लिए आई थिंक दो सेंचुरीज लगाने वाला पहला प्लेयर बना था ये तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है अच्छी खासी और लास्ट लास्ट मैच में एक विकेट निकाल के भी दी थी बाकी आरिफुल हक ने को जितने मैच में नीचे मौका मिला बैटिंग मिली है और उसने कम बॉल में ज़्यादा रन बनाए हैं तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं बट मैं थोड़ा टॉप ऑर्डर के साथ ही जाने वाला हूँ देन शमी हुसैन है जो थोड़ी बहुत एक आधा ओवर बॉलिंग भी कर रहा था कुछ मैचे में प्लस बैटिंग में भी जितने मैच है बैटिंग का मौका मिला ठीक ठाक बैटिंग करिए बाकी बट मैं स्वागत होम के साथ जाने वाला स्वागत होम के बारे में आई थिंक आपको पता और लास्ट मैच मैंने आपको लिखा भी टेलीग्राम पे ग्रैंड लीग में ट्राई करो और उसने क्या क्या सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए मैंने वो क्यों बोला था क्योंकि अगर आपको आप तो आई थिंक आपको आप तो नए हो पर डोमेस्टिक इसका अगर फॉलो करेगा बहुत बढ़िया प्लेयर और दूसरा आपको याद हो 2016 में बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच होता है आई थिंक जिसको जो जिस मैच आपको याद होगा जिसमें धोनी ने भागते हुए रनआउट मारा था आपको याद होगा सेमीफाइनल मैच था सेमीफाइनल था वर्चुअल सेमीफाइनल टाइम मैच था इंडिया बाहर जाती वहाँ से अगर इंडिया हार जाती तो उसमें जो विराट कोहली को बोल्ड मारा था वो किसने मारा था वो था होम तो वो बहुत बढ़िया बॉलर है प्लस बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है स्वागत है हमको ध्यान देख चलना देन शाहिद इस्लाम है काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है दैन हसन महमूद के बारे में बताऊँ तो ये ऐसा प्लेयर है लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं बट डोमेस्टिक का वन ऑफ द स्टार बॉलर है जब भी इसको बॉलिंग का मौका मिलता है पूरे मैच में एटलीस्ट एक आधा विकेट तो निकाल के जाते ही जाता है तो हसन महमूद अच्छा बॉलर है दैन अल हमीन हुसन है ये भी अच्छा बॉलर है बट टूर्नामेंट इस करना अच्छा गया नहीं है और दो वर्ल्ड कप में ये भी खेला था तो बहुत अच्छा प्लेयर है बट अभी टोनामेंट इसकना अच्छा जा नहीं रहा बॉलिंग में देखोगे तो आपको अल अमीन हुसन चार ओवर डालते हुए दिख जाएगा शाकिब हसन चार डालते हुए दिख जाएगा इस्लाम जिसका टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया है हसन महमूद को मैंने जैसे बोला है कि विकेट टेकर बॉलर है नाम इतना बड़ा नहीं है बट काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट काफी मैचेस में मैंने देखा विकेट देके जाते ही जाता था स्वागत था होम जैसे मैंने बताया था विराट कोहली को बोल्ड मारा था और अच्छा खासा ऑलराउंडर बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकता है तो इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने आपके लिए एक टीम क्रिएट करने की कोशिश करी तो हर प्लेयर के बाद मैंने दस टीम के बनाया ग्यारह प्लेयर आपके यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ तो मैं लेने वाला यहाँ पे आरिफुलग जो कि ओपन करेगा भले ही फॉर्म में नहीं बट आई थिंक सबसे बेस्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन आपके पास यही है शुक्र का बैटिंग ऑर्डर नीचे और इतना से टच में भी नहीं है बाकी इकबाल कैस शमी हसन को सही ले रहा बैटिंग ऑर्डर नीचे प्लस बॉलिंग एक आधा ओवर करेगा भी शायद कर दे बट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले ये प्लेयर्स केईस शमीम इकबाल तोहिद हिर को ले सकते हो बाकी स्वागता होम को मैंने लिया है इमोन हम परवेज हुसैन को ले सकते हो आप तो मैंने ये बैटिंग में तीन प्लेयर पिक करें बाकी आपके पास अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हृद्वाई जरूर ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे दूसरा प्लेयर है यहाँ पे परवेज हुसैन बाकी मैं जो ग्यारह प्लेयर बात कर रहा हूँ वो आप इनमें से ही पिक कर सकते हो यहाँ पे इस्लाम भी टॉप ऑर्डर में टीम बैटिंग करवा रही है बट यहाँ पे हृदय जो है ठीक ठाक फॉर्म में है बाकी ये है तो मैंने तीन प्लेयर जो ये पिक करे बैटिंग सेक्शन में ये करे बाकी ऑलराउंडर मैंने करा शाकिब महमदुल्ला और यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज मेरा मानना यहाँ पे मैं आफिफ हुसैन को लू अगर टीम इसे पूरे तीन से चार ओवर करवाए और बैटिंग भी ऊपर आ रही रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पिक बन सकता है तो आपके पास बहुत अच्छी पिक है आफिफिफ हुसैन देन यहाँ पे मैंने लिया तस्किन अहमद बॉलिंग में लिया मैंने दूसरा इस्लाम जिसका टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया अभी तक बाकी आप बात करोगे स्लम रब्बी जो दैथ में बॉलिंग कर रहा था काफ़ी अच्छी बॉल डालता है एक, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को थोड़ा अगर अच्छा फॉलो करना है तो यहाँ पे आफिफ हुसैन को ले आफिफनी अल अमीन हुसैन को ले सकते हो हसन महमूद है अबू जाए जो जो टेस्ट खेल चुका है तो यहाँ पे अच्छे खासा ऑप्शन अवेलेबल है बट हम थोड़ा फॉर्म वगैरह को कंसिडर करते हुए टीम बना रहे हैं देखो लेने के लिए तो बहुत सारे प्लेयर है अच्छे अच्छे प्लेयर है जैसे कि आपको आफिफ हुसैन के बारे में मैंने बता दिया है अल हमी सन अंडर नाइन दो हज़ार उन्नीस सोलह वर्ड वर्ल्ड कप में खेला टी ट्वेंटी में हसन महमूद यार बताया कि जब भी मौका मिलता है विकेट लेके देता है अभी अब वो टेस्ट मैच खेल चुका है बट फॉर्म में देखोगे तो कौन ज़्यादा विकेट लेके दे रहे हैं रब्बी और यहाँ पे इस्लाम दोनों ही चार चार ओवर भी कर रहे हैं दैन तस्कर अहमद तो है ही बेस्ट प्लेयर और बात करोगे जो तो ग्यारह प्लेयर है उसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है किसके साथ जाऊँ वो आपके ऊपर है कि किसके साथ जाऊँ मैं आफिफ़ को थोड़ा पिक कर लेता हूँ बाकी आपके पास चॉइस है यहाँ पे कि आप ले सकते हो यहाँ पे हरिद्वा या फिर प्रवेश को तो मेरे लिए ये टीम रहने वाले ग्रैंड लीग में आप कुछ और ट्राई कर कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ अभी मैं ग्रैंड लीग का कैप्टन मेरा रहने वाला शाकी वाइस कैप्टन रहने वाला है मेरे लिए मैदी हसन मिराज कैप्टन वाइस कैप्टन वाइस आपके पास वाइस कैप्टनसी की दूसरी ऑप्शन है तामिम इकबाल तो मेरे लिए ये टीम रहने वाली है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बोलोगे तो मेरे लिए ग्रैंड लीग का देखोगे तो व, बैटिंग सेक्शन में ऑलमोस्ट सारे सेम है विकेट कीपर सेम है यहाँ पे देखोगे तो मैंने ऑलराउंडर में कोई चेंज बॉलिंग में चेंज करा कराया अबू जायद और हसन महमूद या किसकी जगह कमरुल इस्लाम रबी और पे एस इस्लाम की जगह कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपके पास वही तीन ऑप्शन अवेलेबल है और आपको थोड़ा रिस्की लेना डिफरेंट जाना हो कई और यहाँ पे ये यह अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल है महमूदुल्ला तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और आपको बताया तो अगर बाय और सेल के ऑप्शन बाय के लिए मेरे ख्याल से आपको जो है वो शाकिब सही प्लेयर है बट शाकिब इतने से टच में नहीं तो यहाँ पे थोड़े से हाई है तो ज़्यादा मत करना और दूसरा बताओ महदी हसन मिराज के थोड़े हाई हैं और बैटिंग ऑर्डर लास्ट मैच में नीचे डाला गया तो मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा बेटर नज़र आने वाला है मेहदी हसन ठीक ठाक है अगर टीम ओपन कराती है डेफिनेटली जिस प्राइस पे आपको दिया गया है वो प्राइस आपके लिए एलिजिबल है बट यहाँ पे देखोगे तो इनके थोड़े थोड़े हाई पॉइंट्स हैं बाकी आप मैं आपको बाकी टेलीग्राम पर आई थिंक बताऊंगा ज़्यादा बेटर रहेगा तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना चैनल पर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब का कर बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करी दोस्त और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं रिप्लाई करूंगा टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा जानको ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगी होगी तो एक चीज आपको ध्यान रखना है टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो लिंक दिया उसी का यूज करना है तभी हमारे सही और ओरिजिनल चैनल के साथ जुड़ पाओगे तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों बाय बाय